नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन चौधरी, मैनेजर सांडू फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। वर्षा ऋतुचर्या के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों होती है और किस प्रकार की बीमारियां होती है, तो अभी आज हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए कि जिसके कारण हमें बीमारियां ना हो। वर्षा ऋतु सबसे अधिक संक्रामक बीमारियां लाता है, तो उसके कारण हमारी वैद्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसमें वर्षा ऋतुचर्या का पालन कैसे करना चाहिए और वर्षा ऋतु में कैसे रहन सहन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इस बारे में लिखा है। तो श्रावण और भाद्रपद इन ऋषियों इन महीनों में वर्षा ऋतुचर्या यानी वर्षा ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनमें वर्षा ऋतु रहता है। तो वैसे तो हाल देखा जाए तो सीजन के जो हाल ही में तीन ही पार्ट हम देखते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। लेकिन आयुर्वेद के मतानुसार छह प्रकार के ऋतु रहते हैं, जैसे जो कि हमने पहले एपिसोड में जाना। तो वर्षा ऋतु में दोष कुपित होते हैं, जिसमें मुख्यतः वात दोष जो है वो ज्यादा कुपित होता है और उस कारण हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, और पाचन क्षमता कमजोर हो जाने के कारण हमारी वैद्य क्षमता जो है वो भी कमजोर होती है। तो आयुर्वेद के मतानुसार अग्नि यह हमारे पाचन क्षमता के गतिविधियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में अग्नि यानी पाचन क्षमता यह मॉडर्न के अनुसार हम बता सकते हैं। तो अगर वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि या पाचन क्षमता अगर कम है तो हमें खाना उसी प्रमाण में खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खाए या जिस प्रमाण में हमारा अग्नि है उस प्रकार से या हमारे प्रकृति के अनुसार हम नहीं खाना खाएंगे तो हमारे हमें विविध बीमारियां होने की संभावना अधिक रहती है। तो आयुर्वेद ने इसके बारे में कैसे रहन सहन होनी चाहिए इसके बारे में जो बोला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वर्षा ऋतु में सबसे इम्पोर्टेंट गर्म पानी यानी कि कुनकुना पानी दिन भर में पीना चाहिए, जिससे हमारे अग्नि या पाचन क्षमता है वो अच्छी रहेगी। वैसे जब भी आप खाना खाएंगे उसमें अदरक, नींबू इसका प्रमाण अधिक होना चाहिए। उसी के अनुसार आप काली मिरी का भी उपयोग अधिक कर सकते हैं, जिससे हमारी पाचन क्षमता अच्छी रह सकती है। इसी के अनुसार आप जो चावल खाएंगे वो चावल अच्छे से धोए हुए और थोड़ा सा उनको हल्के से उबालते हुए उसको खाना चाहिए। उसी के अनुसार जब भी भूख लगे तभी खाना चाहिए, अगर आपको भूख नहीं है तो कम खाना चाहिए या हल्का खाना चाहिए। इसी सीजन में हमारी पाचन क्षमता कम होने के कारण अगर आपको भूख कम लगे तो आप जो है हल्का आहार रेगुलर खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप रात्रि में भोजन करेंगे तो रात्रि का भोजन जो समय है वो भी जल्दी होना चाहिए, यानी लगभग 7 बजे से पहले, और उसमें भी हल्की चीजें जैसे कि खिचड़ी या दाल खिचड़ी या दलिया जैसे खाने में आना चाहिए। जब भी आप बाहर जाएंगे या टहलने के लिए जाएंगे तो आप छाता यानी कि छतरी का उपयोग करना ना भूलिए। तो वर्षा ऋतु जो है वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि कम होने के कारण जो बीमारियां होती है उसको हम इस प्रकार के खाने से या इस प्रकार के रहन सहन से हम इसे बचाव कर सकते हैं, यानी इससे हम बच सकते हैं। तो वर्षा ऋतु जो है वर्षा ऋतु में सबसे इम्पोर्टेंट वात दोष ये बिगड़ा हुआ रहता है, तो वात दोष के कारण होने वाली बीमारियां जैसे कि आर्थराइटिस यानी संधिवात, आमवात यानी कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस, लंबर पेन यानी कि कमर का दर्द, जो घुटनों का दर्द और गर्दन का दर्द, इस प्रकार के जो दर्द है ये सभी वर्षा ऋतु में बढ़ते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो आपको इस प्रकार का दर्द नहीं होगा। तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु का पालन करके आप आपके बीमारियां और दर्द से निवारण हो, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।